ABPS News। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPS News। मैं शिल्पी त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में। आज हमारे साथ हैं महाराजगंज से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी, जो कि अपने 6 से 4 बार विधायक रह चुके हैं और ये 69,619 वोटों से जीते हैं। आइए उनसे बात करते हैं गांव के विकास को लेकर। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद विधायक जी। आज मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो आज के समय में जो ग्राम पंचायत की स्थितियां हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकारें बदलती रहती हैं फिर भी गांव की जो स्थितियां हैं वो वैसी रहती हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है? नहीं, अन्य सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ग्राम पंचायतों में सुधार हो रहा है। मसलन उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ, विगत समाजवादी पार्टी की सरकार में जो केंद्र की योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना था, 3 साल के कार्यकाल में एक भी आवास नहीं बना। चूँकि सपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश जी जो है इसलिए नहीं जो है पैसा मंगा रहे थे केंद्र से कि जो है केंद्र का नाम होगा, लेकिन हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और इस साल एक साल में 987,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ग्राम पंचायतों में लोगों का, भिन्न भिन्न व्यक्तियों का आवास बना है। तो स्वाभाविक रूप से ग्राम सभाओं में सुधार हो रहा है, स्वच्छता में भी सुधार हो रहा है, हर गाँव में डस्टबिन रखा जा रहा है। अभी उसे ठीक है कि उसमें पूर्ण रूप से अभी सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन एक उसके कदम लोग बढ़ाए हुए हैं, कहीं बाहर वाहर के साफ सुथरा करके जो डस्टबिन में लोग डालते हैं, तो गांव में सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने ये आवास की बात की विधायक जी, तो जो अगर आवास की बात करें तो सर्वे के बाद पता चला है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका ग्राम प्रधान से कोई लेना देना नहीं है, क्या ये बात सही है? अगर सही है तो कैसे? नहीं, ये सही नहीं है, ग्राम प्रधान से लेना देना है, प्रस्ताव तो ग्राम सभा प्रधान ही करता है। 2011 के जो जनगणना के आधार पर जो सूची बनी हुई है उसमें से जो है पात्रता के आधार पर लोगों का जो मकान बन रहा है, और नए अभी जो 2011 में जनगणना में बहुत से लोग छूटे हुए थे पात्र व्यक्ति, तो ग्राम प्रधानों को ही अधिकार मिला हुआ है कि आप जो नए सिरे से जो प्रस्ताव करिए और ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर के जो प्रस्ताव करते हैं आवास के लिए। ऐसा नहीं कि ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है और उनको अधिकार नहीं है, अधिकार है उनको। और अगर विधायक जी बात करें स्कूलों की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं, वहाँ के स्कूलों की हालत तो ऐसी है कि बच्चे, कई बच्चों के पास तो ऐसा है कि ड्रेस नहीं है और बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में बल्ब और पंखा तो लगा हुआ है लेकिन स्कूल में बिजली नहीं है, और 3 साल से वहाँ के जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में चाहे जूनियर हाई स्कूल जो विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, सचमुच जो है उसके शिक्षा का स्तर बहुत पहले से गिरा हुआ है। परंतु आज मैं बता सकता हूं आपसे कि कक्षा 1 से लेकर के जो है 8 तक के बच्चों को सरकार के तरफ से ड्रेस की बात जो आपने की है, निःशुल्क ड्रेस दिया जा रहा है, जूता दिया जा रहा है, मोजा दिया जा रहा है, बैग दिया जा रहा है, पाठ्य पुस्तकें दिया जा रहा है, और नई व्यवस्था में बढ़ाया गया है सभी बच्चों को स्वेटर दिया गया है। ये सही है कि आप जो है अभी जो बैठने की व्यवस्था की बात की है, हमारी सरकार ने उसकी भी योजना अभी इस बजट में आया है कि उनको डेस्क बेंच देने की व्यवस्था जो है हमारी सरकार ने इसमें किया है कि उन जूनियर हाई स्कूल में, अभी प्राइमरी स्कूल में नहीं हुआ, जूनियर हाई स्कूल में हो गया कि डेस्क बेंच सभी विद्यालयों में दिया जाए। और आप देखें पूर्ववर्ती सरकारों में अभी जो आप साल भर पहले आप देखी होंगी, जो छोटे छोटे बच्चे कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं उनको जो सरकार, तत्कालीन सरकार जो उनको ड्रेस के नाम पर दी थी, लग रहा था कि बच्चे जो है होमगार्ड का ड्रेस बना करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्वाभाविक है, देखिए गांव में जब हर परिवार से बच्चे पढ़ने जाते, कोई कॉन्वेंट में पढ़ने जाता है, कोई अच्छा और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता है, और कुछ गरीब बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जिनको ड्रेस जो खाकी का दिया गया था, जो होमगार्ड का ड्रेस है वो ड्रेस दिया गया था, उनके मन के अंदर कुंठा हो रही थी। और आज जो उस ड्रेस को चेंज करके हमारी सरकार ने आज जो दिया है, जो ड्रेस कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल और प्राइमरी स्कूल में आप कोई अंतर नहीं देखेंगे। अगर लखनऊ के सड़कों में अगर सभी स्कूलों के बच्चे एक साथ छोड़ दिए जाएं तो वो बच्चे भी यही साबित करेंगे कि ये भी किसी अच्छे स्कूल से जो है पढ़ करके निकल रहे हैं। तो बच्चों में पढ़ाई में हाँ गुणात्मक सुधार अभी नहीं हुआ है, आज वो कहा जा सकता है कि चूँकि अब हाजरी उजरी की देख रेख उनकी जो सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है
तो सुधार उसमें गुणात्मक हो रहा है, लेकिन एक ही तत्कालीन सरकारों में जो शिक्षा का गुणवत्ता का जो स्तर गिरा था, अब देख लीजिए आज इस सरकार में परीक्षा हुआ, हाई स्कूल इंटर का परीक्षा हुआ है, डिग्री कॉलेज का परीक्षा चल रहा है, सीसीटीवी कैमरा लग करके जो है परीक्षा चल रहा है। और पिछले सरकारों में भी, हमारी जब पूर्ववर्ती सरकार माननीय कल्याण सिंह की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी थे, उस समय भी शिक्षा के सुधार के लिए कदम उठाया गया था। विधायक जी, बात हम ये कर रहे हैं कि स्कूल कि जो आपने बात कही कि सबको जूनियर हाई स्कूल के लिए व्यवस्था चलाई जा रही है और प्राथमिक विद्यालय के लिए अभी समय लगेगा, तो ये कितना समय लगेगा? नहीं, समय का मतलब ये है कि सरकार के पास बजट की भी बात होती है, सरकार उस पर चिंतित है कि हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में जो कुर्सी पर और जो बेंच पर बैठते हैं, हमारे प्राथमिक विद्यालय के भी बच्चे जो है बेंच पर बैठे हैं, ये योजना चल रही है, जल्दी उनको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसी मंशा माननीय योगी जी की है, शिक्षा मंत्री जी की है, कि उन बच्चों को भी जो है बेंच डेस्क दिया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई बेंच और डेस्क की, लेकिन जो वहाँ के जो विद्यालय हैं, वहाँ के जो उसमें जो टीचर हैं, उसमें सर्वे के बाद ये पता चला कि उसमें 60 टीचर हैं, लेकिन जिस टाइम पे सर्वे के लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर था। तो वहाँ से पूछा गया कि टीचर कहाँ गए सारे, तो उन्होंने बताया कि कोई कहीं गया है, कोई किसी ड्यूटी पे लगा है, कोई बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी। जब सरकार को उन लोगों से अदर ही काम लेने हैं, तो स्कूल में टीचरों की जरूरत क्या है? ऐसे में जो बच्चों का भविष्य वो किधर जाएगा, क्या होगा उनके भविष्य का, क्या सरकार इस पे क्या सोच रही है? नहीं, अच्छा प्रश्न आपका है, अच्छा विषय भी है, सही है कि उन्हीं टीचरों को जो है अन्य अन्य ड्यूटियों में भी लगा दिया जाता है। जैसे चुनाव होता है तो शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती है, तो ये सही है, इसका हम समर्थन करते हैं। ये जो टीचरों की तरफ से भी उठा था विषय कि ये जो है इसको रोका जाना चाहिए, लेकिन अब कुछ परिस्थितियां सरकार की होती हैं, उनसे कुछ काम अलग से ले लेते हैं लोग। और जहां तक 7-8 बच्चों टीचरों की बात है, तो अभी बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। जैसे अभी फिर मैं कहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मित्रों का जो नियुक्ति हो गया था, नियम कानून को जैसे भी है वो लोग किए थे, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो इन लोगों को अभी स्थगित कर दिया गया है, तो शिक्षकों की कुछ कमी हो गई है। ऐसा नहीं है अब 7-8 टीचर किसी एक विद्यालय में नहीं है, बच्चों के ऊपर अब 40 का जो मानक है कि एक विद्यालय में 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, तो बीच में तो संख्या बहुत घट गई थी। प्राथमिक विद्यालय में और जूनियर विद्यालय में तो बच्चों की संख्या इतनी घट गई थी कि वो केवल पेपर में रजिस्टर पर नाम चल रहा था, MDM चलता है, उसका भी दुरुपयोग हो रहा था। लेकिन आज जो है बच्चों के कुछ शिक्षा में सुधार और कुछ उनको ड्रेस वगैरह की व्यवस्था तक करने के बाद जो है आज देखा जा रहा है कि सभी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। और सरकार की मानसिकता भी है पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार का ये सोच है कि टीचर भी ठीक से पढ़ावें, समय से पढ़ावें, समय समय पर विभाग के द्वारा मॉनिटरिंग भी हो रही है, तो उसमें पढ़ाई का कुछ गुणात्मक सुधार हो रहा है। चूँकि बिगड़ा हुआ तंत्र है, तो कहिए कितना आसानी से ये इतने कम समय में सुधार नहीं हो सकता। और आगामी 4 साल का भी कार्यकाल हमारी सरकार का है, तो शिक्षा में हम उम्मीद करते हैं कि गुणात्मक सुधार होगा। ये तो आपकी विधायक जी बात सही है, लेकिन जब सरकार बनने के टाइम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही थी कि जो सरकारी और जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं उनको सारे बच्चों को समान शिक्षा दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्कूलों पे जो फीस इतनी बड़ी हुई ली जाती है, जो किताबें इतनी बड़ी हुई दी जाती हैं, इन सब पे रोक लगाई जाएगी, ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं? इसमें क्या वास्तविकता आप बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात? हाँ, इस पर अभी कुछ कार्रवाई होनी बाकी है, लेकिन इंग्लिश की बात जहाँ तक है हमारी प्राइमरी स्कूलों में भी अगले अप्रैल से जो है ये इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू होगी। ऐसी हमारी व्यवस्था हुई है, पाठ्य पुस्तक भी उसी तरह के दिए जाएंगे बच्चों को। जो अगला सत्र चलेगा, अभी कल मुख्यमंत्री जी का जो उत्तर प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, कल लोक भवन में कार्यक्रम हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया है कि नए पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों को बीच में जाएगा, और 1 अप्रैल से जो है इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी प्राथमिक विद्यालयों में भी किया जाएगा। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, व्यवस्था भी हो रहा है, उसी तरह के पाठ्यपुस्तक भी बच्चों के बीच में जाएंगे। जी विधायक जी, बात करें स्वास्थ्य की, तो गांव के अस्पताल जो है वो भी बहुत ही दुर्दशा में पड़े हुए हैं। वहाँ की साफ सफाई तो बिल्कुल देखी नहीं जाती है, दिखती है ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनमें ताले पड़े हुए हैं, वहाँ तो डॉक्टरों का नामो निशान नहीं है। तो डॉक्टर, ऐसे में सरकार इस पे क्या करे कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या हो रहा है? आपका विषय भी सही हम कह सकते हैं,
सफाई वफाई पर कुछ तो कहीं कहीं दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सफाई सब जगह गंदगी गंदगी ऐसा भी नहीं है। अस्पताल है तो स्वाभाविक रूप से स्वच्छ रखने का प्रयास भी लोग करते हैं। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों पर डॉक्टरों की जो कमी की बात हो रही, अभी इस साल मुख्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था बनाया है, जो नए डॉक्टर निकलेंगे सीधा सीधा लगातार 2 साल तक ग्रामीण अस्पतालों पर उनकी ड्यूटी लगेगी, सीधा सीधा व्यवस्था के तहत जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो अपने मर्जी से जाएंगे चाहे किसी की पैरवी से रुक जाएंगे, सीधा उनको 2 साल ग्रामीण अस्पतालों पर जो है उनको सर्विस करना है, तब जो तीसरे साल में कहीं ट्रांसफ़र होकर के अपनी इच्छानुसार या शहरी अस्पतालों में जो है बड़े बड़े अस्पतालों में जा सकते हैं, लेकिन 2 साल तो उनको ड्यूटी करना ही करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था जो है अभी मुख्यमंत्री जी कल ये भी कहे व्यवस्था बनाई गई है। तो जब अच्छे डॉक्टर योग्य डॉक्टर गाँव के अस्पतालों में जाएंगे, चूँकि उनको नौकरी करना है, जब नियुक्ति उनकी होगी तो सीधे 2 साल के लिए ग्रामीण अस्पतालों पर भेजे जाएंगे। तो स्वाभाविक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की बात जहाँ तक, अभी देखिए डॉक्टर्स हैं हमारा CHC, अभी जो एक महिला अस्पताल का हमने उद्घाटन करवाया है मंत्री जी से, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से, और उस के अभी महिला अस्पताल खुलने के पहले जो हमारा CHC था वहाँ कम से कम 500 550 600 मरीज प्रतिदिन वहाँ डॉक्टरों के द्वारा देखा जाता है। मतलब अच्छी व्यवस्था है हमारे वो, अब चूँकि अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही अस्पताल पर मेरे ही क्षेत्र के अस्पताल में व्यवस्था है, लेकिन वहाँ हमारे जो CHC हैं और महिला अस्पताल हो जाने के बाद जो संख्या मरीजों की और बढ़ गई है, तो जब उनको अगर उचित सुविधा दी जा रही है, देख रेख हो रहा है, तभी उस अस्पतालों पर भीड़ है। जैसे अगर मान लीजिए स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई नहीं है तो बच्चे पढ़ाई अभिभावक उस स्कूल में भेजते नहीं हैं। अगर वहाँ के डॉक्टरों के देख रेख में अगर उपचार सही ढंग से नहीं होता है तो 600-700-800 मरीज एक दिन में सरकारी अस्पतालों पर पहुँचना अपने आप में एक उदाहरण है। अगर उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता तो स्वाभाविक है दूसरे अस्पताल पर जाते हैं। तो है ये व्यवस्था है, मरीज देखे जाते हैं, ठीक से देखे जाते हैं। आपके हिसाब से ग्राम पंचायत क्या मायने रखती है? ग्राम पंचायत तो सर्वोपरि है। ग्राम पंचायत को तो त्रिस्तरीय पंचायती राज्य में जो व्यवस्था दिया गया कि अधिकार तो बहुत से अधिकार जो ग्राम पंचायतों को दिया गया, बहुत से कार्य ग्राम पंचायतों से ही हो रहे हैं। कोई भी काम जो सरकारी योजना है, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो, सारे काम तो ग्राम पंचायतों से ही होते हैं। कोई भी काम आप लीजिए, शौचालय बन रहा है उसमें ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान का जो भूमिका होता है, सेक्रेटरी की भूमिका होती है, आवास की होती है, पंटा आवंटन की होती है, चाहे कार्ड का होता है, राशन कार्ड का होता है, सारी व्यवस्था तो ग्राम पंचायतों से ही होती है। तो बहुत बड़ा महत्व है ग्राम पंचायतों का। जी, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जो भारत में किसानों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप कि किसानों को लेकर? नहीं, किसानों का जो दुर्दशा की बात है, कहीं कहीं सुनने में जैसे मिलता है कुछ महाराष्ट्र में हो जाता है, बुंदेलखंड में हो जाता है, हमारे पूर्वांचल में आप कहीं भी किसी भी किसान की वो आप नहीं सुने होंगे कि वह कृषि के नाते जो है नुकसान के नाते क्षति के नाते वो आत्महत्या किया हो। पूर्वांचल में कोई घटना शायद आपको सुनने को नहीं मिलता होगा, कुछ सूचनाएं मिलती हैं लोगों को अब किस रूप में वो आत्महत्या करते हैं, ये विषय आता है सदन में भी उठता है। लेकिन किसान अभी पिछले सत्र में जहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, किसान आत्महत्या करता है जब कर्ज में डूबता है। हमारी सरकार बनने के पहले जब लोकसभा का चुनाव के बाद जो है सबका साथ सबका विकास का जो हमारी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के पहले ही जो है चुनाव पीरियड में ही यह हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपये का कर्जा माफ़ करेंगे। कर्जा माफ़ हुआ 1 लाख का? जो कर्जा माफ हो गया 1 लाख का वो तो बात अलग है, लेकिन किसान अब भी उसी कर्जे से दबा हुआ है। उस 1 लाख के बाद भी जितना उसका कर्जा वो उसी से दबा जा रहा है, वो जी ही नहीं पा रहा है। ऐसे क्या कर रही है सरकार? किसान जी रहा है, किसान ठीक से जी रहा है। हमको नहीं लगता कि कहीं ये सुनने को मिलता होगा कि किसान खाने बिना जो है मर रहा होगा। और किसान के देखिए अब इस सरकार ने जो एक व्यवस्था बनाया है, जो और आप भी जानती होंगी, बहुत लोगों से आप लोगों की प्रतिदिन बात होती रहती है, किसानों का जो है 1.5 गुना जो है 2 गुना जो है आय करने की हमारी सरकार की योजना है। तो ये भी अब आय कैसे बढ़ेगा, जैसे अभी धान गेहूं का सीजन आ रहा है, क्रय केंद्र खोलेगी सरकार। क्रय केंद्र खुलेगा तो जब गेहूँ का तौल जो है सरकारी योजना में सरकारी व्यवस्था में गेहूँ का तौल होगा
तो किसान औने पौने दाम में बेचने को मजबूर नहीं होगा। पिछली सरकारों में होता था क्रय केंद्र नहीं खुलते थे, और क्रय केंद्र न खुलने के नाते, सरकारी खरीद न होने के नाते किसानों और किसानों को जो है उनकी अपनी पढ़ाई की व्यवस्था, बच्चों की फीस की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, शादी विवाह की व्यवस्था, तो मजबूर होकर के औने पौने दाम पर बेचते थे। खरीद जब होती है, सरकार खरीद करती है, तो चूंकि व्यापारी भी जो ऊंचे दाम पर, जैसे अभी पिछले धान के सीजन में 1525 रुपये का धान का रेट था सरकारी, और 1400 रुपये तक का धान जो व्यापारियों ने खरीदा है। पूर्व में जो है 800 850 900 तक का किसानों को मजबूरन होकर के धान बेचना पड़ता था। तो चूंकि क्रय केंद्र सरकार खोली और क्रय सरकार के द्वारा कराया गया धान, इसलिए धान का रेट बढ़ा। और मैं कह सकता हूं कि गेहूं में भी किसी किसान को दिक्कत नहीं होने वाली है, चूंकि क्रय केंद्रों की क्रय केंद्र सब खुल पहली अप्रैल से खुल जा रहे हैं। और जब किसानों का जो है क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीदा जाएगा सरकारी रेट से, 1735 रुपया रेट हुआ है गेहूं का, तो जब खरीदा जाएगा तो व्यापारी को जो है वो 800 900 1000 में गेहूं नहीं बेचेंगे। और जब खरीद ठीक से होगी तो व्यापारी भी चूंकि बिजनेस करते हैं और वो अपना माल बाहर भेजते हैं, तो वो भी ऊंचे दाम पर गेहूं खरीदने के लिए मजबूर होंगे, तो किसानों का उचित लाभ मिलेगा। आगे चल करके योजना हमारी सरकार की है कि किसानों का आय दोगुना हो, ऐसी इस योजना में हमारी सरकार काम कर रही है। अगर बात करें मनरेगा योजना की, तो जो उसमें मजदूर काम करते हैं उनको 175 रुपये मिलता है, वही मजदूर जब प्राइवेट काम करने के लिए जाता है तो 300 से 350 रुपये मिलते हैं। तो ऐसे में जो मजदूर वो 175 रुपये में अपना घर कैसे चलाएगा? अब अपना घर चलाने के लिए वो मजदूर, आपका विषय सही है, 175 रुपये उसका मजदूरी मिलता है मनरेगा का, और जो 200 250 300 में जैसा वो काम करता है बाहर जा करके, तो उसके खर्चे भी पड़ते हैं। अब हर आदमी तो अब बाहर जा करके कमाता है, उसके घर में, अब मनरेगा में देखिए, अब उसको कहा भी नहीं जा सकता मनरेगा कार्य अच्छा नहीं है। मनरेगा अच्छा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, गाँव में हमारी महिलाएँ हैं, गरीब महिलाएँ हैं, रोजगार तो मिल रहा है, वो तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो वो 175 जो एक बात है 175 रुपए की, तो उसमें अपना घर कैसे चलाएगा? 175 रुपए तो एक आम आदमी, एक इंसान के जो होता है वो खर्चा होता है। इस पे क्या सरकार, उनकी जो मजदूरी थोड़ा और नहीं बढ़ाया नहीं जा सकता उसको? नहीं नहीं, मजदूरी समीक्षा करके बढ़ता भी है मनरेगा का, ऐसा नहीं 175 पहले नहीं था, मजदूरी का उनका रेट बढ़ा भी है। और मजदूरी में सही है कि देखिए घर पर जो कहा जाए कि एक तरह से अधिकांश लोग उसमें अनुपयोगी लोग पहुंचते हैं काम करने, मनरेगा से काम करा करके जो है अब जितने का बजट उनका होता है काम उतने का हो नहीं पाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को रोजगार मिले। सरकार की योजना है, सरकार की योजना है कि लोग जो है खाने बिना कोई न मरने पावे, मनरेगा योजना चला करके जो है उनको, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चा काम होता है, तालाब खुदा होता है, सड़कों पर मिट्टी का काम होता है। अब मिट्टी उट्टी का काम अब ज़्यादा तो पिच हो गए हैं, ज़्यादा सोलिंग ईंटे का खड़ंजा हो गया है, तो मिट्टी का काम कम होता है, लेकिन तालाब वालाब हैं तो सड़क के किनारों में मिट्टी डालते हैं लोग, लेकिन काम के हिसाब से वो मजदूरी बढ़नी चाहिए उनको युग के हिसाब से। क्योंकि ये कब तक बढ़ जाएगी मजदूरी? अब ये तो सरकार की योजना है, अब हम लोग सरकार से इसके लिए विधानसभा में सवाल नहीं उठाएंगे? नहीं, बात किया जाएगा अपने कैबिनेट में। इस बात को लेकर कब तक बात करेंगे आप? चलिए आपका सुझाव तो भाई कल हम देखते हैं इसको, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग को 4 बजे बैठक बुलाई गई है, एक मंत्रियों से चर्चा इस पर होगा, बढ़ना चाहिए, हम इसके समर्थक हैं, मजदूरी बढ़ना चाहिए। इसके लिए आप बात करेंगे कल अपने विधानसभा में? कृषि मंत्री अपने हैं, बात किया जाएगा उनसे भाई इस विषय को। नहीं, लोग सहमत भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये 175 दिया जा रहा है तो बहुत काफ़ी मजदूरी है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बाहर काम करने वाले आदमियों की मजदूरी और महंगाई के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से उनका मजदूरी कम है, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन व्यवस्था चूंकि सरकार की है तो सरकार के हम एक अंग हैं, इसको चर्चा में हम लाएंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये तो थे महाराजगंज से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी, जिन्होंने किसानों की बात को विधानसभा में उठाने की बात कही है। आगे भी हम आपको अन्य जन प्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विधायक जी चले गाँव की ओर रात 8 बजे, और शिल्पी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।